rahim assalamu alaikum dear all viewers welcome to my youtube channel elan with technologies dear all viewers today's topic is what is screening test and what is the difference between screening test and diagnostic test so let's start our lecture what is screening test a screening test is done to find possible health problem in a people who don't have any symptom of डिजीज स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर हमारे पास हम वो जो वो पीपल को स्क्रीन कर देते हैं जिसको कोई भी प्रॉ ना हो डिज़ीज का यानी जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसको हम स्क्रीन कर देते हैं और अगर उसके अंदर कोई भी uh, जो टेस्ट है वो हमारे पास रिएक्टिव आ जाता है या डिटेक्टेड आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है या उसका जो रेंज है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ जाता है तो उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं तो उसको हम फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर काउंट कर देते हैं लेकिन ये जो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम यूजली करते हैं ये हम हेल्दी इंडिविजुअल के लिए करते हैं जिसको कोई भी सिम्टम ना हो डिज़ीज़ का और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हम उन पीपल uh, के लिए या वो बंदों के लिए हम करते हैं जिसको यूजुअली सिम्टम हो जैसा कि मलेरिया है मलेरियल पैरासाइट है वो अगर उसकी सर्कुलेशन के अंदर है तो उसके लिए हम फिर जो सीबीसी है वो भी हम करते हैं और इसके लिए जो आईसीटी मेथड के ऊपर हम मलेरिया परफॉर्म करते हैं वो भी हम कर सकते हैं और जो जिसके लिए हम स्लाइड भी प्रेफर कर सकते हैं जिसको हम पैरफ्रल ब्लड स्मेयर कहते हैं और उसके थ्रू भी हम उसको डायग्नोस करते हैं तो ये एक है हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट जिसके अंदर हम इन हेल्दी इंडिविजुअल के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और दूसरा है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसके अंदर हम जो जिस बंदों को सिमटम ऑफ़ द डिजीज है तो उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन फॉर हेल्थी इंडिविजुअल और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हमारे पास हम उस पे, पेशेंट के लिए या उस बंदों के लिए करते हैं जिसको कोई सिम्टम हो डिज़ीज़ का इट इज़ यूजली इन अ ग्रुप फॉर्म और स्क्रीनिंग जो टेस्ट है हमारे पास वो हम आ, हमेशा या यूजुअली हमारे पास आ, ग्रुप फॉर्म में होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल एचआईवी एचसीवी एचबीएस एच और इस तरह ये आ, जितनी भी टेस्ट हैं सीबीसी है स्टूल आ रही है रूटीन एग्जाम यूरिन आ रही है तो ये सारे के सारे एक ग्रुप एक ग्रुप फॉर्म में हम करते हैं लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल टेस्ट भी यानी ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकते हैं इट इज लेस एकट और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हमारे पास लेस एकट है और लेस स्पेसिफिक है फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हमारे पास uh, कोई भी पेशेंट है उसका एच बी एस एच सी वी या एच आई वी इनमें से कोई भी टेस्ट अगर रिएक्टिव या पॉजिटिव या डिटेक्टेड आ जाता है तो उसके लिए हम फर्दर एलायजा कर देते हैं अगर एलाइजा के ऊपर भी ये हमारे पास डिटेक्टेड या इसका जो रेंज है वो नॉर्मल से ज्यादा है तो फिर हम उसके लिए क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव पीसीआर परफॉर्म करते हैं तो इसलिए ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये हमारे पास लेस एकट है बट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोर एकट एज कंपेयर टू तो स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट वी कैन नॉट स्टार्ट ट्रीटमेंट और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके बेस पे हम कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम एच या एच या एच कोई भी अगर इसका जो कोई भी पेशेंट है उसका आ, जो एच है एच या एच है वो अगर आईसीटी टेक्निक के ऊपर हमारे पास रिएक्टिव आ जाता है तो उसके ऊपर हम कोई भी मेडिसन नहीं दे सकते इवन दो कि हम एलाइजा के ऊपर भी हम उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए जो स्पेसिफिक और एकोरेट टेस्ट है वो है हमारे पास पीसीआर वो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर हम ट्रीटमेंट uh, स्टार्ट कर देते हैं ठीक है uh, या स्टार्ट कर सकते हैं एट इज़ लेस एक्सपेंसिव स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो हमारे पास लेस एक्सपेंसिव इसलिए है कि वो हम यूजली आई जो किट आते हैं uh, उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं और वो uh, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जाए तो ये इसका जो किट आते हैं वो वन uh, लेख या फिफ्टी थाउजेंड इस तरह का एक एक किट आता है तो वो डेफिनेटली हमारे पास मोर एक्सपेंसिव होगा एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग टेस्ट सो देट वॉज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट